तो अभी हम ये गांध ये खा रहे हैं, ये गांध खा रहे हैं, ये गांध खा रहे हैं हम। और मैं अभी ये मैं दोबारा किया और मैं ये लेके आया हूँ। मैंने कभी ये नहीं खाया, मतलब एक दफ़ा शायद खाया हो, लेकिन ये चीटोस का नया फ्लेवर मैंने नहीं खाया। तो मैं अभी खाएंगे और अभी हमने करनी है वीडियो अपलोड। और अभी अभी आया हूँ मैं, और अभी जो लान हुआ है उससे पहले मैं ये लेके आया हूँ और बाद में ये लेके आया हूँ ये वाला। सो फाइनली बहुत अच्छी खुशखबरी आई है, आप लोगों को भी सुना देता हूँ कि अभी ऐलान हुआ है। ऐलान ये हुआ है कि कल रोज़ा है पहला, और मुझे मेरी प्रिडिक्शन सही निकली क्योंकि मैंने सबको कह रखा था कि पहले ही के रोज़ा जो है वो 23rd को ही होना है, क्योंकि एज अ फिक्स डेट, क्योंकि फ्राइडे को नहीं बनता क्योंकि 24th कंफर्म डेट नहीं बनती थी, बनती थी लेकिन क्या है कि शबान की, अब मैं 30th अभी कुछ चीज़ें लेने गया था बाहर स्टोर पे, तो अचानक ऐलान हुआ कि कल रोज़ा पहला। और बाकी तैयारियां श्यारियों के लिए हम फिर मैं दोबारा गया और चीज़ें लेके आया हूँ। और रमज़ान की जो खुशी होती है ना, वो पहली पहली खुशी वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब एंड पे खुशी होती है, रमज़ान के बीच की खुशी तो मतलब इतनी नहीं होती। कहते हैं कि भाई दिल्ली से रमज़ान गुजर, ये होता है। लेकिन जब एंड पे होती है तो एंड पे ईद की खुशी होती है, लेकिन सब रमज़ान की जब सबसे पहले खुशी होती है कि चांद नज़र आ गया, कल रोज़ा है, तो इसकी खुशी बहुत अच्छी खुशी होती है। और आप सबको भी रमज़ान मुबारक। इतना तो हम उठ गए हैं सारी के लिए, अभी हम कुछ बनाएंगे सारी अपनी, फिर बाद में सारी करेंगे ठूसी फूसी। तो हम सहरी के लिए आए हैं और अभी हो रहे हैं 3:40, 3:40 इतने हो रहे हैं। तो अभी हम खाने वाले हैं सहरी, क्योंकि सहरी है ब्रेड रोटी, उसके साथ हमारे पास दही, दही में थोड़ी सी खा लूँगा रोटी के साथ, और चिकन मेरे पास है गोभी, चिकन गोभी या गोभी चिकन एक की बात है। तो उसके बाद है हमारे पास चाय, चाय आपको लेके गई, चाय है ये चाय, लेकिन चाय नहीं है ये, दूध पत्ती कॉफ़ी कहेंगे, लेकिन दूध कॉफ़ी कहेंगे क्योंकि दूध में मैंने कॉफ़ी बना के ये किया। और ये हमारे पास जगह कि हम जब सैरी बंद होने लगे तो हम ये पूरा जगह पी लें। तो ये आज की मेरी सैरी। हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबका। और अभी मैं सो के उठा हूँ बिकॉज के हाँ सहरी के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के मैं जल्दी से सो गया, ठीक है। तो अभी हम उठे हैं और मैंने अपना व्लॉग शुरू किया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि अभी लग नहीं रहा रोज़ा, ठीक है। बार बार हमने मैंने पानी बहुत पिया है तो इसी वजह से वॉशरूम ज़्यादा जाना पड़ रहा है। तो ये है, और अभी आपको भी दिखाएंगे क्या करते हैं पूरे दिन। और अफ्तारी भी होनी है अभी, 5-4 घंटे पड़े हैं बस अफ्तारी में, और क्योंकि 6:15 इतने बजे जो है अफ्तारी हो जाएगी हमारी। तो हम अभी उठे हैं, अभी हम एडिट करेंगे अपना ब्लॉग, उसके बाद हम थोड़ा पढ़ी पढ़ी मतलब पढ़ाई, ठीक है। उसके बाद हम ब्लॉग शुरू करेंगे, मतलब हम क्या करते हैं पूरा दिन, और फिर अफ्तारी भी बनानी है अपने लिए, ठीक है। और बाकी सही चीज़ें हैं, ठीक है। अफ्तारी तक का आपको मैं पूरा सिस्टम दिखाऊंगा क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। तो अब तक लिए बाय। तो भाई हम आ गए ऊपर, क्योंकि हम जो था सहरी थी, सहरी के बाद उठे थे, आपको दिखाया। उसके बाद अभी मैं उठा हूँ, क्योंकि उठा नहीं बल्कि मैं नहा के तैयार होशियार हो के नमाज़ पढ़ी मैंने, असर की नमाज़ पढ़ के।
ठीक है, जोहर की असर की नमाज़ पढ़ के ऊपर छत पे आए हैं, क्योंकि अब 1 घंटा रह गया और 1 घंटे में अभी इतना आज तो रोज़ा लगा ही नहीं, क्योंकि क्या है कि थोड़ी ठंड भी है और रात को भी बारिश हुई थी, ठीक है, और ठंड में अलग ही एक मज़ा होता है रोज़े का। तो इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन अगर अब हफ्ते बाद देखा जाए तो इतनी गर्मी पड़ने वाली है कि रोज़ा रखना तो दूर, पता नहीं संभाला कैसे जाएगा। तो अब इतना अच्छा पहला रोज़ा इतना अच्छा गुजरा है, अब हफ्ता अच्छा गुजरेगा, लेकिन उसके बाद अब देखते हैं कि रोज़े के मतलब हफ्ते बाद या क्या होता है, अब देखना तो पड़ेगा। तो अभी सिर्फ 1 घंटा रह गया, क्योंकि हमें 6:15 हो जाना है रोज़ा, अभी हो रहे हैं 5:30, मतलब घंटा ही अभी पड़ा है। तो अब देखते हैं कब खुलता है। मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ, बहुत अच्छा व्यू है, पहले रमज़ान का पहला सूरज जो कि ग्रूप होने वाला है। तो ये है वो व्यू। सो फाइनली ये रोज़ा खोलने में सिर्फ 15-10 मिनट रह गए हैं, और ये हमारी है इफ्तारी, क्योंकि सबको पसंद होती है इस तरह की इफ्तारी। और यहाँ पे रोशनी पड़ी होगी, मैं आपको रोशनी दिखा देता हूँ, ये क्या है, कचौड़ी समोसे, जो कि इफ्तारी मेन चीज़ें जो होती हैं ये होती हैं तेल वाली, जिससे हमारा फैट मतलब हमारा वज़न बढ़ता है, तो हम यही खाएंगे, वज़न बढ़ाएंगे अपना। तो ये हमारी इफ्तारी, और ये आफ्टर इफ्तारी के सीन है, क्योंकि अभी मैंने इफ्तारी किया, बहुत पेट भर गया, कि थोड़ा सा हम और खाएंगे, ठीक है। मैंने फ्राइज नहीं खाई थी, बाकी सब कुछ खा लिया, सब कुछ। हम भुलक्कड़ हैं, भुक्कड़ है ना, भुलक्कड़ नहीं, तो भूल गए थे ये खाना, तो अभी हम खाएंगे, इफ्तारी करेंगे, उसके बाद मैंने नमाज पढ़ लिया, तो अब ये हम खाएंगे। और मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और मेरी आवाज़ थोड़ी अटकी अटकी है, क्योंकि अभी थोड़ा ठंडा ठंडा शरबत पिया है, तो आवाज़ में अटक गई है। और आप यहाँ मैंने नमाज़ पढ़ी है, वो किया था, और नमाज़ पढ़ी उसके बाद अब हम ये खाएंगे। तो अभी मैं अपना व्लॉग एंड कर रहा हूँ, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो इस व्लॉग को लाइक कर दो, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो, और उनका मैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा।